इमरान खान को मिली राहत के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भड़की मरियम, कहा चीफ जस्टिस को अपना पद छोड़ देना चाहिए और उन्हें पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए। मरियम ने निशाना साधते हुए कहा हमें इमरान के समर्थक जज नहीं निष्पक्ष फैसला करने वाला जज चाहिए, खजाना लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, मामलों की विस्तार से तफ्तीश के लिए पुलिस ने बनाई एसआईटी। एसआईटी में कई अलग अलग ब्रांच के पुलिस अधिकारी शामिल, पहलवान की दर्ज शिकायत के आधार पर कई राज्यों में जाकर केस से जुड़े इनपुट्स इकट्ठा करेगी टीम। एसआईटी ने ब्रिजभूषण के बयान दर्ज किए, सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ब्रिजभूषण से मांगे कुछ दस्तावेज, जरूरत होने पर फिर होंगे बयान। पहलवानों की याचिका पर आज वेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई 27 मई को। पुलिस ने कहा पहलवानों के मामलों में जांच जारी, 164 के तहत रेसलर्स के दर्ज हो सकते हैं बयान, पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट को किसी को ना देने की कोर्ट से रिक्वेस्ट की। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, विवाद पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में सौंपी थी रिपोर्ट, मामले में जांच पूरी करने के लिए सेबी ने 6 महीने का समय और मांगा था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा मामले की जटिलता को देखते हुए जांच पूरी होने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। दिल्ली मथुरा रोड डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस, पुलिस ने कहा किसी शरारती तत्व ने फैलाई अफवाह। डीपीएस मथुरा रोड स्कूल में बम होने की कॉल का यह दूसरा मामला, इससे पहले हुई कॉल में स्कूल के ही छात्र की भूमिका सामने आई थी। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में सुनवाई पूरी, राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाई, कोर्ट ने 2 जून तक सिसोदिया की हिरासत को बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा पीएम 8 साल से संविधान का अपमान कर रहे थे, संविधान को तोड़ रहे थे। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने शिक्षकों को संबोधित किया, कहा भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा। 29वां शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट 40% के आसपास रहता था, लेकिन आज ये 3% रह गया। गांधीनगर में पीएम मोदी 2452 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क जल्द ही सीईओ पद को अलविदा कहने जा रहे हैं, ट्विटर पर सीईओ पद से इस्तीफे का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि किसी महिला को चुना गया है नया सीईओ, जो अगले 6 हफ्तों में संभालेंगी पदभार। सीबीआई का 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित, 87.33% रहा परिणाम, लड़कियों ने मारी बाजी। त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, 98.64% के साथ बेंगलुरु दूसरे नंबर पर, 97.40% के साथ चेन्नई तीसरे नंबर पर, दिल्ली वेस्ट 93.24% के साथ चौथे नंबर पर। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोचा अब खतरनाक रूप लेने जा रहा, तूफान के 14 मई तक और भी तीव्र होने की आशंका। चक्रवाती तूफान की वजह से एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है, ग्राउंड पर 200 बचावकर्मी मुस्तैद। मोचा के कारण अंडमान में भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान के आज रात गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। म्यांमार और बांग्लादेश के निचले इलाकों से लोगों की निकासी की जा रही है, बांग्लादेश ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं के गहरे समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। संभल के चंदौसी में मुरादाबाद की तरफ से आ रही मालगाड़ी ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे, 7 ट्रेन प्रभावित। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा, बीजलपुर इलाके में 3 मंजिला इमारत दबी, मलबे में दबे 26 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस और दमकल कर्मियों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इमारत को पहले ही जीर्ण शीर्ण घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण अधिकांश निवासियों ने इस परिसर को खाली कर दिया था। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों की गोलीबारी में पुलिसकर्मी शहीद, 4 जख्मी। बिहार में शराब की तस्करी में 3 पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, सीतामढ़ी पुलिस के 2 दारोगा और 1 कांस्टेबल को मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया था अरेस्ट। बिहार के बिहटा में बालू माफियाओं पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, माइनिंग विभाग के एक महिला अधिकारी के साथ मारपीट के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बालू माफियाओं पर नकेल कसी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने सड़क से नदी तक कार्रवाई की, अब तक 33 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। कैलिफोर्निया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 दर्ज की गई। भूकंप से किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं, भूकंप की गहराई 1.5 किलोमीटर थी। यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भेज रहा ब्रिटेन, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने जानकारी दी।
स्पेन में भीषण गर्मी का कहर जारी, गर्मी से 10 दिनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत। मेक्सिको में मदर्स डे के दौरान लापता लोगों के माता पिता ने किया मार्च, लापता लोगों के सकुशल वापसी की मांग की। चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ बेहिसाब ज्यादती हो रही है, कुरान शरीफ रखने वालों को चरमपंथी बताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के माता पिता की कब्र पर आपत्तिजनक बातें लिखने के जुर्म में एक महिला को 2 साल की सजा। आईपीएल के 56वें मुकाबले में राजस्थान ने कोलकाता को 9 विकेट से रौंदा, 150 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी राजस्थान की टीम ने मात्र 13.1 ओवर में जीत हासिल की। राजस्थान की जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल रहे, यशस्वी ने मात्र 13 गेंदों में हाफ सेंचुरी ठोकी। यशस्वी ने मात्र 47 गेंदों में 98 रनों की पारी खेली, कप्तान संजू सैमसन ने भी नाबाद 48 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने युजवेंद्र चहल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने डेरेक ब्रावो को पीछे छोड़ा, ब्रावो ने 161 मैचों में 183 विकेट लिए थे, चहल के 143 मैचों में 187 विकेट हो गए हैं। गुरुवार को कोलकाता के खिलाफ चहल ने 4 विकेट छटके। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की टक्कर गुजरात टाइटंस से होगी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का बायकॉट किया है, कर सकता है, और पीसीबी ने कहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के हमारे मैच भारत से बाहर कराए जाएं। फिल्म द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार जारी, फिल्म ने इस साल दिन में करीब 80 करोड़ का बिजनेस अब तक किया है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दहाड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा दबंग पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आई। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट एंड विस्परर्स की टीम से उन्होंने मुलाकात की, धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी एक्ट्रेस को गिफ्ट की। एक्टर इमरान जाहिद की स्टारर फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिल्म में युवा के आईएएस बनने का संघर्ष दिखाया गया है। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा करते हुए वीडियो शेयर किया, अदा ने कैप्शन में लिखा, मेरी एनर्जी का सीक्रेट मंत्र जो मुझे विरोध करने की सहन करने की क्षमता देता है। एक्ट्रेस सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग पूरी हुई, फिल्म में विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी अहम रोल में नजर आएंगे।